अब हम कमरख का दुक्याजा बना रहे हैं। कमरख इज स्टार फूड। हैदराबाद में ज़्यादा जो है खट्टा ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादातर जो है खट्टी दाल, बघारे बैंगन, इस तरह के खट्टे करीज बनते और मीट के साथ भी बनाते। मीट के साथ अलग अलग वेजिटेबल्स डाल के बनाते, जैसा कैरी है और इमली का दुप्याजा, इमली डाल के बनाते, तो उसको हम दुप्याजा बोलते हैं। जो मीट के साथ जो करी बनती है उसको दुप्याजा बोलते हैं। तो आज हम बना रहे हैं स्टार फ्रूट का ना दुप्याजा। स्टार फ्रूट दिस ओरिजिन इज फ्रॉम मलेशिया। तो ये मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता। तो हम आज अपने हैदराबादी क्विजीन में इसको इनकॉर्पोरेट करके हम बना रहे हैं, जो इसका नाम है कमरख। तो कमरख का दुप्याजा बना रहे हैं विद मीट। तो नाउ वी विल गेट स्टार्टेड। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बन सकती है आपको। विल गेट स्टार्टेड। आप देखिए और बनाइए आप खुद भी। पैन में ऑयल डालिए, then you put in lot of sliced onion. दो प्याज़ा का मतलब प्याज ज़्यादा। दो प्याज़ा डाल दिया आपके फ्राइड स्लाइस्ड अनियन। then you add ginger and garlic paste. ये हैदराबाद के हर डिश में तकरीबन रहता ही। चिली पाउडर, हल्दी, ये बेसिक आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। फ्राई फॉर सम टाइम। जब अनियन थोड़े से फ्राई होने लग गए, आप ये मटन डाल दीजिए। ये मटन जो है सीने का, जो ब्रिस्केट बोलते हैं जिसको, वो मीठा है, तो ये इसमें ज्यादा अच्छा दिखता है। గొర్రె పొట్టేలు బ్రెస్ట్ మాంసం ప్రత్యేకంగా తీయించారు ఈ కూర కోసం. కూరని ఉడకనిచ్చి మనం స్టార్ ఫ్రూట్ ని తరుక్కుందాం. सॉल्ट डालने से आपके जो प्याज में जो पानी है वो जल्दी छूटने लगता। देखिए फ्राई हो रहा है। पुट इन वाटर। इतना बस हो जाएगा। अब इसको पकने दीजिए। फ्रूट को हम जब थोड़ा सा कच्चा वाला लेंगे, ज़्यादा खट्टा नहीं था, कच्ची वाली लेंगे। तीन काफी हो जाएंगे। హైదరాబాదీయులకి పులుపంటే ఇష్టం. అందుకే నుజహత్ గారు తమ దోప్యాజాకి కమ్రక్ అంటే స్టార్ ఫ్రూట్ ని ఎన్నుకున్నారు. ये मीट हो गया होगा, लेट्स सी। इस पे पानी है थोड़ा, पानी को कम करेंगे हम थोड़ा सा, फिर से उसको हीट करेंगे। सीधा कलर, ये प्याज घुल जाना चाहिए।
प्याज जो है ये ऐसी नज़र नहीं आना चाहिए, इनकॉर्पोरेट हो जाना करी में। अभी जब इसका पानी थोड़ा कम होगा ये जब हम ये डालें, अच्छी स्मेल आ रही। ये साउंड इसकी देखिए कैसी आ रही, इस तरह का मीट होना चाहिए देखिए, तो ही इसका टेस्ट अलग आता है। ये सीने का गोश्त बोलते हैं, ये देखिए। ఉల్లిపాయ కర్రీలో కరిగిపోవాలి, అదే కర్రీ రెడీ అయిందనడానికి గుర్తు. ఇప్పుడు మనం తరుక్కున్న కమ్రక్ అందులో వేయాలి. ఎక్కువగా ఉడికిస్తే స్టార్ ఫ్రూట్ కూడా కరిగిపోతుంది. कम रखा दो प्याज आर रेडी। कमरख का दो प्याज़ा।